आईपीएल 2023 का एक और महामुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स और दिल्ली कैपिटल के बीच चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में खेला जाना है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिरकार चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से महेंद्र सिंह धोनी और दिल्ली कैपिटल की तरफ से डेविड वार्नर किन 11 खिलाड़ियों के साथ मैदान पर उतर रहे हैं। दोनों टीमों के लिए यह मुकाबला जीतना बेहद ही जरूरी है। तो इस मुकाबले की पूरी प्लेइंग 11 और इंपैक्ट प्लेयर के साथ हम आपको मैच प्रेडिक्शन भी बताने वाले हैं, तमाम जानकारी देंगे। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। अगर आप भी चाहते हैं कि इस मुकाबले में शानदार परफॉर्मेंस करते हुए आपकी फेवरेट टीम बेहतरीन जीत दर्ज करे तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं CSK और DC के बीच अब तक के हुए मुकाबलों के हेड टू हेड परफॉर्मेंस के बारे में। तो दोस्तों, चेन्नई सुपर किंग्स और दिल्ली कैपिटल अब तक आईपीएल के इतिहास में 27 बार आमने सामने हो चुके हैं, जहां पर चेन्नई सुपर किंग्स ने 17 मुकाबले जीते हैं, तो वहीं पर दिल्ली कैपिटल की टीम अब तक इस टीम के सामने सिर्फ 10 ही मुकाबले जीत पाई हैं। यानी कि दोस्तों, देखा जाए तो चेन्नई सुपर किंग्स का पलड़ा एक तरफा भारी है। वहीं पर आखिरी 5 मुकाबलों की हम बात करें तो यहाँ पर जरूर दिल्ली कैपिटल ने आखिरी 5 मुकाबलों में अब तक शानदार परफॉर्मेंस करते हुए 3 मुकाबलों में जीत दर्ज की है, जबकि 2 मुकाबले चेन्नई सुपर किंग्स ने जीते हैं। इस साल दोनों टीमें पहली बार एक दूसरे के आमने सामने होने जा रही हैं, तो यहाँ पर मुकाबला तो बेहद ही टक्कर का होने वाला है। लेकिन यहाँ पर हम बात करें कि पॉइंट टेबल में कौन सी टीम किस नंबर पर है, तो फिलहाल दिल्ली कैपिटल नंबर 10 की टीम है, तो वहीं पर चेन्नई सुपर किंग्स नंबर 2 की टीम है। ऐसे में यहाँ पर मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स को जीत कर यहाँ पर टॉप 2 में बने रहने के लिए बेहद ही जरूरी है, जबकि प्ले ऑफ की रेस में बने रहने के लिए दिल्ली को भी ये जीत बेहद ही जरूरी है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं दिल्ली कैपिटल की प्लेइंग 11 के बारे में। तो दोस्तों, दिल्ली कैपिटल अब एग्रेसिव खेल दिखाने लग चुकी है, तो दिल्ली कैपिटल की तरफ से एक बार फिर पारी की शुरुआत करते हुए नजर आएंगे डेविड वार्नर, तो उनके साथ फिलिप सेल्ट होंगे, जिसने पिछले मुकाबले में कमाल की 87 रनों की पारी खेली थी। तो ऐसे में एक बार फिर इनसे बेहतर परफॉर्मेंस की उम्मीद होगी दिल्ली कैपिटल को। तो वहीं पर नंबर 3 पर मिचेल मार्श उतरेंगे। मिचेल मार्श भी इस टीम के काफ़ी आक्रामक व बेहतरीन ऑलराउंडर परफॉर्मेंस कर रहे हैं, तो कमाल कर सकते हैं। इसके बाद नंबर 4 पर रायली रोसो, तो नंबर 5 पर अक्षर पटेल उतरेंगे। यानी कि टॉप ऑर्डर के चारों बल्लेबाज विदेशी रहेंगे, जबकि 5वें अक्षर पटेल होंगे। तो इसके बाद नंबर 6 पर मनीष पांडे खेलते हुए नजर आएंगे, तो नंबर 7 पर अमन हाकिम खान उतरेंगे। वहीं पर नंबर 8 पर कुलदीप यादव उतरेंगे, तो नंबर 9 पर मुकेश कुमार उतरने वाले हैं। नंबर 10 पर ईशांत शर्मा, तो नंबर 11 पर खलील अहमद उतरेंगे। जबकि इस टीम के इम्पैक्ट प्लेयर की बात करें तो यहाँ पर रिपल पटेल इस टीम की तरफ से इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर खेलते हुए नजर आएंगे। दूसरी तरफ चेन्नई सुपर किंग्स की बात करें तो डेविन कॉनवे के साथ ऋतुराज गायकवाड पारी की शुरुआत करते हुए नजर आएंगे। दोनों बल्लेबाजों ने अब तक टीम को कमाल की शुरुआत दी है। वहीं पर इसके बाद नंबर 3 पर अजिंक्य रहाणे खेलते हुए नजर आएंगे, तो नंबर 4 पर इस टीम की तरफ से अंबाती रायडू उतरेंगे। वहीं पर नंबर 5 पर शिवम दुबे खेलते हुए नजर आएंगे, तो नंबर 6 पर MS धोनी खेलते हुए नजर आने वाले हैं। नंबर 7 पर रविंद्र जडेजा, तो नंबर 8 पर मोइन अली उतरेंगे। हालांकि बैटिंग लाइनअप में इनके काफ़ी उतार चढ़ाव होते रहते हैं, तो हो सकता है मोइन अली हमें नंबर 4 पर भी खेलते हुए नजर आएं। वहीं पर इसके बाद दोस्तों, नंबर 9 पर दीपक चहर, तो नंबर 10 पर मतीसा पतिराना व नंबर 11 पर तुषार देश पांडे उतरेंगे। जबकि इस टीम के इम्पैक्ट प्लेयर की हम बात करें तो वो महेश दीक्षणा होने वाले हैं। यानी कि अंबाती रायडू अगर पहले बल्लेबाजी आएगी तो वो खेलेंगे प्लेइंग 11 में, बाद में आएगी तो वो होंगे इम्पैक्ट प्लेयर। वहीं पर दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि आखिरकार कौन सी टीम इस मुकाबले में जीतेगी। तो दोस्तों, चेन्नई के ग्राउंड पर ये मुकाबला होने वाला है, तो इस मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स का ही पलड़ा भारी रहेगा। और जिस प्रकार का इस समय परफॉर्मेंस भी रहा दोनों टीमों का, वो देखकर लग रहा है कि चेन्नई सुपर किंग्स ही बाजी मारेगी। आपके हिसाब से क्या है आपकी प्रेडिक्शन, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।